ओनली आई कैन चेंज माई लाइफ, नो वन कैन डू इट फॉर मी। खाली आप ही अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं और दूसरा कोई नहीं आएगा आपके लिए ऐसा करने के लिए। तो इसीलिए अपनी लाइफ को अच्छा, अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए रेगुलर प्रयत्न करते रहें, प्रयत्न करना कभी ना छोड़ें, तभी आपकी लाइफ जो है वो बहुत ही अच्छी बनेगी। इसी के साथ मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल एलन एकेडमी पे। मेरा नाम है रणवीर गुप्ता और आप हैं चैनल एलन एकेडमी पे। पहले तो मैं जितने भी सब्सक्राइबर्स हमारे हैं उन सबसे मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा कि मैंने लास्ट जो मंथ था उसमें मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं करी और बीच में ही ये वीडियो अपलोड करने का सिलसिला जो था वो रुक गया, क्योंकि एक्चुअली मेरी तबीयत बहुत ही ख़राब हो गई थी, इस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। उसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, लेकिन अब जो है वो ये सिलसिला वापस से शुरू हो चुका है वीडियोज़ का। आपको रेगुलर वीडियोज़ मिलेंगी जीके की, करेंट अफेयर्स की और भी जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनसे, और साथ ही साथ जो हमारे बीई, बीटेक और ग्रेजुएशन वाले बच्चे हैं जिनको जॉब नोटिफिकेशन चाहिए होती है उनको भी हम यहाँ पर प्रोवाइड करवाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है, सरहुल पर्व का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो देखिए यहाँ पे सरहुल पर्व की बात हो रही है और बताना है कि भारत के किस राज्य से इसका संबंध है। तो इसका संबंध है आपका झारखंड से, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, झारखंड। और अगर हम बात कर रहे हैं झारखंड की, तो झारखंड की जो कैपिटल है वो आप सबको पता होगी, कैपिटल है रांची, और वहाँ के जो करंट CM है उनका नाम क्या है? रघुवर दास। एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ से कि वहाँ के गवर्नर कौन है, तो वहाँ की जो गवर्नर है वो है द्रौपदी जी। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? अब यहाँ पे ओणम की बात की जा रही है कि वो किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है, तो इसका सही आंसर है केरल, ऑप्शन बी, केरल इसका सही त्यौहार है, सही ऑप्शन है। और जो केरल है और वहाँ पे जो ओणम मनाया जाता है वो पेड़ों की पूजा के लिए मनाया जाता है। यहाँ पे जो पर्व है इसको पेड़ों की पूजा करके ये लोग मनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? यहाँ पे आपको बताना है कि पोंगल जो है वो किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है, तो ये त्यौहार है आपका तमिलनाडु का, और ये मनाया कब जाता है? ये जनवरी माह के महीने में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वैसाखी किस राज्य में मनाने जाने वाला सबसे प्रमुख त्यौहार है? तो वैसाखी मनाया जाता है आपका कहाँ पे? पंजाब में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पंजाब। अच्छा, वैसाखी जो पर्व है वो क्यों मनाते हैं? ये खालसा पंथ की स्थापना के रूप में मनाते हैं, और इसकी स्थापना किसने थी? गुरु गोविंद सिंह ने इसकी स्थापना की थी। कब की थी? 1699 में आनंदपुर में की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुड़ी पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में ये गुड़ी पर्व मनाते हैं, और मराठियों के लिए ये उनका न्यू ईयर होता है, एक तरह से ये न्यू ईयर के तौर पे भी ये गुड़ी पर्व को वो लोग मनाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है आपका, लोसांग उत्सव मनाया जाता है? तो लोसांग उत्सव जो है वो मनाया जाता है सिक्किम में, और ये उनका न्यू ईयर है। जैसे कि गुड़ी पर्व था महाराष्ट्र वालों के लिए उनका न्यू ईयर, वैसे ही लोसांग जो है वो सिक्किम वालों के लिए उनका न्यू ईयर है, और ये दिसंबर में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लठमार होली कहाँ खेली जाती है? तो इसका जो आंसर है वो आप सबको पता होगा, इसका आंसर है ए, मथुरा में। लठमार होली कहाँ खेली जाती है? मथुरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रथ यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो देखिए जो यात्रा उत्सव है ये मनाया जाता है पुरी में, उड़ीसा के पुरी में मनाया जाता है। और अगर बात करें उड़ीसा की, तो उड़ीसा की जो कैपिटल है वो आप सबको पता होगा, भुवनेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवरोज का त्यौहार किससे संबंधित है? तो नवरोज का जो त्यौहार है वो संबंधित है पारसी से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पारसी। ये जो पारसी लोग हैं ये इनका न्यू ईयर होता है नवरोज, न्यू ईयर के रूप में ये लोग कौन सा त्यौहार मनाते हैं? नवरोज त्यौहार मनाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का अद्वितीय त्यौहार क्या है? तो देखिए बात बिहार की हो रही है, तो बिहार में सबसे बड़ा त्यौहार जो होता है वो होता है छठ पूजा। बिहार के लोग सबसे ज़्यादा मनाते हैं छठ पूजा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, छठ पूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव का जो प्रचलन है ये किसने शुरू किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक। और अगर हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की, तो यहाँ पे तमाशा और लावणी यहाँ के लोक नृत्य हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एग्जाम में दो बार पूछा जा चुका है कि पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ईद उल मिलाद। ओके फ्रेंड्स, ईद उल मिलाद मनाया जाता है पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसा मसीह के जन्मदिन के रूप में मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है?
तो देखिए सबको पता है, इसका तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। जो आप क्रिसमस मनाते हो वही क्या है, ईसा मसीह के जन्मदिन के रूप में मनाते हो। और अगर बात करें कि ईस्टर, ईस्टर किस उत्सव मनाया जाता है, तो ईस्टर जो है वो ईसा मसीह के पुनर्जीवित के रूप में मनाया जाता है। और गुड फ्राइडे की अगर बात करें तो ये शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दुर्गा पूजा त्यौहार मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है भादो मास में। उसके बाद ये कहाँ पर सबसे ज़्यादा मनाया जाता है, तो ये पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा मनाया जाता है दुर्गा पूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शंघाई त्यौहार निम्नलिखित में से कहाँ मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है ऑप्शन बी मणिपुर में। और ये किस लिए मनाया जाता है, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए मेनली इस त्यौहार को वहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कुंभ का मेला कहाँ लगता है, तो देखिए जो कुंभ का मेला है ये चार ही जगहों पर लगता है, पहला प्रयागराज, दूसरा उज्जैन, तीसरा नासिक और चौथा हरिद्वार, और ये 12 साल में जो एक बार लगता है। तो मध्य प्रदेश में पूछा जा रहा है, तो मध्य प्रदेश में आप समझ जाइए कहाँ पे लगेगा, उज्जैन में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उज्जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुष्कर मेला कहाँ लगता है, तो देखिए पुष्कर मेला लगता है अजमेर में, बहुत सारे लोग जानते हैं और बहुत ही प्रचलित मेला होता है ये पुष्कर मेला, और यहाँ पे ऊँट का व्यापार किया जाता है पुष्कर में। ओके फ्रेंड्स, जो पुष्कर मेला है सॉरी वहाँ पे अजमेर में राजस्थान में मनाया जाता है, और यहाँ पे ऊँट का जो व्यापार होता है ये बहुत ही ज़्यादा होता है पुष्कर मेले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एशिया का सबसे बड़ा मेला, अब आपको बताना है कि एशिया का सबसे बड़ा मेला कौन सा है। आपके पास चार ऑप्शन गिवन है, इसका जो आंसर है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और कमेंट सेक्शन में आप अगर बताते हैं तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा ये जान के भी कि आप लोगों का रिस्पांस कैसा है। तो ज़रूर से ज़रूर इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाथी उत्सव मनाया जाता है, तो हाथी उत्सव मनाया जाता है जयपुर में। जयपुर जो कि क्या है, पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है, तो राजस्थान के जयपुर में हाथी उत्सव मनाया जाता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक बार लाइक बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, और उसके साथ ही साथ अगर ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का जो सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक कर करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके लॉस में नहीं रहेंगे, क्योंकि आपको डेली ऐसा कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा जो कि आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जो वीडियो अपलोड किया जाएगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, इतना आप समझ लीजिए। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जल्लीकट्टू नामक त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हर वर्ष दिसंबर महीने में होने वाला हॉर्नबिल उत्सव किस भारतीय राज्य का प्रमुख उत्सव है, तो देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी टिक कर लीजिएगा। वैसे सारे ही इंपॉर्टेंट हैं लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये 2-3 बार पूछा गया है, तो इसका सही आंसर है नागालैंड। नागालैंड में हर वर्ष दिसंबर माह के महीने में हॉर्नबिल उत्सव मनाया जाता है, और नागालैंड के जो इस समय कैपिटल है वो आपको पता हुआ क्या है, कोहिमा, और वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो नेफ्यू रियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध सूरज कुंड क्राफ्ट मेला किस राज्य में लगता है, तो इसका सही आंसर है फरीदाबाद। फरीदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध सूरज कुंड क्राफ्ट मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा त्यौहार हिंदू पर्व थारू जनजाति द्वारा शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है, जैसे कि हम लोग जो हिंदू लोग हैं ये त्यौहार मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं, लेकिन जो थारू जनजाति हैं वो लोग इसी त्यौहार के दिन शोक का पर्व मनाते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी दिवाली। हम लोग दिवाली सेलिब्रेट करते हैं और वो लोग इसी त्यौहार को क्या करते हैं, शोक के रूप में मनाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी दिवाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा सही से मैच नहीं किया गया है, तो देखिए ऑप्शन ए जो है बिहू असम सही है, पोंगल तमिलनाडु ये भी सही है, ऑप्शन सी जो है ओडम ये आंध्र प्रदेश में नहीं कहाँ मनाया जाता है, केरल में मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये जो है सही से मैच नहीं किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ओडम जो है वो आंध्र प्रदेश में नहीं केरल में मनाया जाता है। हमने क्वेश्चन नंबर 2 में ही इसके बारे में डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबा गरिया पूजा त्यौहार मनाया जाता है, तो बाबा गरिया पूजा त्यौहार जो है वो मनाया जाता है त्रिपुरा में, और त्रिपुरा की कैपिटल क्या है, आप सबको पता होगा अगरतला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धार्मिक त्यौहार डांडिया किस राज्य में उल्लास के साथ मनाया जाता है, देखिए अभी मनाया जा ही रहा होगा डांडिया, तो ये मनाया जाता है गुजरात में, और गुजरात की कैपिटल क्या है, गांधीनगर। और गुजरात ही पहला ऐसा, वर्ल्ड का पहला ऐसा राज्य है जिसने पहली बैटरी से चलने वाली बस सेवा शुरू की है, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धार्मिक त्यौहार डांडिया कहाँ मनाया जाता है, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस त्यौहार में नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है, देखिए बहुत ही फेमस है ये जो ओडम त्यौहार है, इसमें नौका दौड़ का जो है
आयोजन किया जाता है। और अभी जैसे मैंने बताया कि आपको ओणम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, केरल में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आदिवासियों का प्रमुख महोत्सव आदि महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था। तो देखिए, इसका जो उत्सव है वो किया गया था जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन सी। और इसका जो उद्घाटन है वो किसने किया था, वहाँ के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने। बहुत ही चर्चा में है इसलिए इनका नाम जरूर याद रखिएगा, सत्यपाल मलिक। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, पपेटी किसका प्रमुख त्यौहार है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पारसी। पारसी लोगों का पपेटी जो है प्रमुख त्यौहार है। तो आई होप को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर करें और जितने भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं उन सब में इसको शेयर करें और हमारे चैनल पर रेगुलर बने रहें, क्योंकि अब वीडियो का सिलसिला वापस से जैसे मैंने बताया था शुरू हो गया है। अब आपको आपकी स्टडीज में हेल्प भी मिलेगी और मुझे उम्मीद है कि थोड़ा बहुत जो कंटेंट है ये आपके काम ज़रूर आएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।